नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के बगहा में एक अनियंत्रित कार घर में घुस गई और घर में मौजूद 7 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने कार में तोड़फोड़ की और सड़क पर प्रदर्शन किया। मामला बगहा के बहरुआ गांव का है, जहां मंगलवार की सुबह अचानक एक अनियंत्रित ब्रेजा कार झोपड़ी नुमा घर में घुस गई। घर के अंदर मौजूद 7 लोगों को कार ने कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला और 2 बच्चे भी शामिल है, जिनकी उम्र 7 और 8 साल बताई जा रही है। वहीं घर में मौजूद 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से जख्मी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेतिया रेफर किया गया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा सड़क पर फूटा और जमकर उन्होंने विरोध। अरे मरुती या रोड भाई या उतना दूर कोर्ट के जाके खा ले कीचड़ उले बात। कितना लोग घायल हुए बात? चार गो वही जो मर गए बारे कहे थे ते दू गो लड़की एगो घायल रो लई बहुत लोग घायल भइल बा। बहुत लोग सुतावल बारे का रोड पर रोड जाम भइल बा। हमरा नतिया के कल हल ले जाए कर पेट पिया जाई तनी दिन में। क्या नाम पड़ी अपने का? इस बीच पुलिस ने किसी तरह सबको समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपने दिल पर अड़े हैं और शवों को भी पोस्टमार्टम कराने नहीं ले जाने दे रहे थे। गाड़ी के मालिक और ड्राइवर का अभी भी कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहते हैं न्यूज फॉर इंडिया के साथ। मैं आकांक्षा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।